प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर FIR दर्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। हाल ही में प्रमोद प्रेमी यादव और अखिलेश कश्यप के बीच विवाद हो गया। विवाद का कारण आप सभी को पता ही होगा। प्रमोद प्रेमी यादव ने एक गाना गाए थे जिस गाने का नाम है परी लागिलू। इसी गाने के धुन पे खेसारी लाल यादव भी गाना गा देते हैं और प्रमोद प्रेमी यादव इंटरव्यू के दौरान बोल देते हैं कि इन लोगों का पुराना आदत है गाना चोरी करने का। और इसी को लेकर अखिलेश कश्यप भी लाइव आ जाते हैं, दिस दैट बोलने लगते हैं, झापड़ दिखाने लगते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। और ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है और आप सभी को बताना चाहता हूँ, दोनों तरफ से धमकी मिलने लगती है कि तू आ तो तू आ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसमें से प्रमोद प्रेमी यादव की टीम मजबूत पड़ती है, अखिलेश कश्यप के घर चली जाती है प्रमोद प्रेमी यादव की टीम मारने के लिए। और राजीव शर्मा ने भी पटना में बुलाया था प्रमोद प्रेमी यादव की टीम को, वहां पे भी प्रमोद प्रेमी यादव की टीम चली जाती है और सब लोग भाग जाते हैं, कोई नजर वहाँ पे भी नहीं आता है। और इसी को देखते हुए राइटर अखिलेश कश्यप ने प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर बक्सर के किसी नियर थाने में FIR दर्ज करवाया है। दो तीन लोगों पे और करवाया है, जिसमें से एक और नाम सामने आ रहा है, रंजीत यादव। दो लोग और हैं, नाम मुझे पता नहीं। बाकी जानकारी के लिए आप सभी को बिहार तक चैनल पे देखना पड़ेगा। मारने पीटने और धमकी और धुन चोरी का आरोप लगाया गया है अखिलेश कश्यप द्वारा और यही FIR पेपर में भी लिखा गया है। और ये न्यूज बनाने में मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि धुन चोरी का मैटर थाने में चला गया। तो देखिए, इस सब मैटर में किसी को कुछ होता नहीं है, अगर ज्यादा गंभीर हो जाएगा तो पुलिस वाले तो एक्शन लेवे करेंगे। और अब प्रमोद प्रेमी यादव भी अपनी बात को रखेंगे, पहले उसने धमकी दिया, यानी दोनों तरफ से अपनी बात को रखा जाएगा। अब जो भी अपडेट आएगा आप सभी को दिया जाएगा। बाकी अपडेट आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।